चलिए, आपको मेरा चार्ट दिखाई दे रहा है और मेरी वॉइस क्लियर है? थोड़ा सा कन्फर्म कीजिए। हाँ सर, चलिए, रिकॉर्डिंग ऑन है हमारी। चलिए, आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में विचार करना है। आपको मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ नोट डाउन करके इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेवन रूलिंग प्लांट निकाले कैसे जाते हैं। ठीक है, नोट डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपके पास में ऐसी कोई ऐप या सॉफ्टवेयर है तो सीधा ट्रांजिटर चार्ट लगाइए और आपका जो भी क्वेश्चन है या सामने वाला जो भी कोई क्वेश्चन कर रहा है, आपको पता है कि फर्स्ट हाउस का कसपल सब लॉर्ड मर्क्यूरी, उसका स्टार लॉर्ड जो है वो मार्स और सब लॉर्ड जो है वो सन, और मून का साइन लॉर्ड सैटर्न, उसका स्टार लॉर्ड जुपिटर और उसका सब लॉर्ड केतु। ये फिक्स ही रहेंगे अभी, मतलब कि काफ़ी समय तक ये कहीं चेंज नहीं होने वाले। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीधे सीधा सब सब लॉर्ड देखिए, ये सब सब लॉर्ड रहा मार्स। ठीक है, ये सब सब लॉर्ड रहा मार्स। अब आपके देखिए क्या इसमें कहीं मार्स आ रहा है? फर्स्ट कस्प का साइन लॉर्ड मार्स नहीं है, उसका स्टार लॉर्ड मार्स है। तो इसका मतलब है जो भी कोई घटना सोची गई है वो जरूर पूरी होगी। ठीक है, ओके सर। बस इतना सही करना है। बट सर सर रिपीट कीजिए सर, सर ये सर मैंने रिपीट अभी कीजिए जस्ट सर एक मिनट एक एक बार। एक करके पूछिए। जी 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 सर, आप बोलिए पहले एक बार। मैं ये कह रहा था सर, ये मतलब मैं आपको इसका टेस्टिमोनियल दे रहा हूँ कि ये मैकनेसली काम करता है और मैं लास्ट 2 वीक से मैं शेयर ट्रेडिंग के लिए इसको यूज कर रहा हूँ जी और केवल एक ट्रेड फेल हुई है और बाकी 9 ट्रेड जो है सर प्रॉफिटेबल गई है। मतलब सटीक जवाब मिलता है उसमें कि आप एंट्री कब करो या एग्जिट कब करो, ये परफेक्ट काम करता है। ये बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये एक ऐसा हथियार है जिसको आपको अपने ऊपर कभी यूज़ में नहीं लेना है, क्योंकि अगर कोई बड़ा कोई इवेंट हुआ और अगर सब सब लॉर्ड ने मना कर दिया तो वो इवेंट आपके जीवन में होने वाला नहीं है। इसीलिए कोई ऐसा बड़ा इवेंट हो तो अपने ऊपर कभी अप्लाई मत करना इस चीज़ को। रूलिंग प्लांट होते क्या है, इसका एक आपको अच्छे से विस्तार के अंदर इसकी कथा सुनाऊंगा मैं आपको, तब पता चलेगा रूलिंग प्लांट होते क्या है। ओके सर। रूलिंग प्लैनेट जो है आपको ये तक बता देंगे कि जिससे आप बात कर रहे हो अभी, उसने उसने कौन से कपड़े पहन रखे हैं उसके। अगर उसने हाँ अगर जी, अगर उसने वो कपड़े नहीं पहन रखे हैं तो उसके आसपास वो कपड़ा है, उस वो कपड़ा है वो या वो कलर जरूर पड़ा होगा। बस आपको देखना आना चाहिए कि देखोगे कहाँ से उसको। नहीं सर, इन्होंने ना बड़ा नॉवेल अच्छा तरीके से उसको यूज किया है, जिसमें जो रिस्क आप बोल रहे थे ना सेवन रूलिंग प्लेनेट्स के लिए, जी 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 वो उन्होंने अवॉइड कर दिया है। वो बोलते हैं शेयर ट्रेडिंग में मैं किस शेयर में कब एंटर करूं या अब अभी एंटर करूं या नहीं करूं, ऐसा प्रश्न हाँ, पूछते नहीं नहीं आ वो गया नहीं तो नहीं मैं एंटर समझ कर गया, जाते हैं, फिर बेचूं बिल्कुल कि नहीं बेचूं, ये पूछते तो बेचना बोलते तो बेच देते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया था उनका सवाल, उनका समझ गया था मैं। उन्होंने ना रिस्क एलिमिनेट कर दी सर, घुसने बिल्कुल का भी टाइम पूछ लिया, बाहर निकलने का भी टाइम पूछ लिया, बिल्कुल। और आपके पास सर पसंद आया करता हूँ, और जवाब जवाब आपके पास में करेक्ट आया होगा सर। नहीं सर, उसमें मैं जो यूज करता हूँ कि सबसे पहले तो मून ट्रांजिट जो आपने सिखाया है ना वो लगाता हूँ, जी अगर उस दिन मेरा दिन फेवरेबल है तब तो मैं ट्रेड करूंगा और तब ये वाला मेथड यूज करूंगा सेवन रूलिंग का। अगर मेरा मून ट्रांजिट ही मुझे मना कर रहा है तो मैं सेवन रूलिंग प्लैनेट लगा के ट्रेड वेड नहीं करता सर, तो बिल्कुल, पहले बहुत तो बढ़िया, मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, फिर लॉस होने वाला है। जिस दिन प्रॉफिट होने वाला है तो उसमें फिर सब लॉट लेके, सब लॉट फेवरेबल स्लॉट दे रहा है उसमें, फिर ये मतलब तीन लेयर पे जब ये करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि काफी मतलब रिस्क एलिमिनेट होके काफी अच्छा हेल्पफुल आता है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। गुड यूसेज यार, वेरी गुड यूसेज। जितना जितना लेवल एक 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 मिनट मैम एक मिनट मैम जितना लेवल आप जितना आप लेवल ले सकते हो और जितना आप इसमें डीपली जा सकते हो उतना ही अच्छा है। और सर इसमें एक एक्सपीरियंस ये भी है कि जो सब सब लॉर्ड वाला जो प्लैनेट है वो प्लैनेट भी आपको स्टोरी बता देता है, लाइक राहु अगर है तो वो राहु यस दे रहा है तो वो स्टॉक बड़ा तेजी से भागेगा। ये भी मैंने मतलब महसूस किया कि एक्सपांशन का काम है तो वो एक्सपांड करता है और रिजल्ट को भी आपको इंडिकेट करेगा।
बिल्कुल करेक्ट है, हाँ सर बिल्कुल। चलिए रूलिंग पैड के भी क्लास लेंगे, अच्छी अच्छी खासी कथा सुनाऊंगा इसकी। जी जी मैम आप बोलिए। हाँ सर, मुझे स्लो से रिपीट कीजिए सर, एक असफल आप फास्ट बोल दिया, मुझे थोड़ा प्रैक्टिकली क्लियर नहीं होगा इसलिए। देखिए देखिए मैम क्या होता है, हाँ, आपको आपको पता है 7 रूलिंग प्लैनेट क्या होते हैं, मैंने समझाया था क्लास में। हाँ सर पता है सर, फर्स्ट हाउस इसमें प्रैक्टिकली दिखाया था। हाँ फर्स्ट हाउस का साइन लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का स्टार लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड, और मून का साइन लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड, और मून का सब लॉर्ड, और डे लॉर्ड। डे लॉर्ड आज जो है वो संडे है, मतलब कि सन है आज डे लॉर्ड। अब जैसे ये मैंने ट्रांजिट चार्ट बंद कर दिया, और कोई भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उसको ओपन कीजिए ट्रांजिट चार्ट को, या नेटिव के मन में कोई क्वेश्चन है उसको लाइक जो भी उसने कोई क्वेश्चन पूछा है आपसे, उसका आपको यस और नो में आंसर देना है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि उस अगर ना हो तो भी उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर आपको देखना है 7 रूलिंग प्लैनेट, मर्क्यूरी, मार्स और मून, मतलब कि फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, सॉरी फर्स्ट हाउस का साइन लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का स्टार लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड, और मून का साइन लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड, मून का सब लॉर्ड, और आज डे लॉर्ड जो है वो सन। अब आप देखिए सीधा सब सब लॉर्ड को, मतलब कि फर्स्ट कस्प के सब सब लॉर्ड को देखिए कि कौन सा प्लैनेट है अभी इस समय है मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी आपके क्या 7 रूलिंग प्लैनेट में आ रहा है, तो देखिए मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस का साइन लॉर्ड बना हुआ है, तो आपने जो भी सोचा होगा या फिर आपसे किसी ने भी कोई क्वेश्चन किया होगा वो क्वेश्चन जरूर पूरा होगा, अब चाहे कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो। ओके सर, और एक सर, हम एक 2 मिनट छोड़ के फिर से ट्रांसिट ओपन करके देख सकते हैं सब लॉर्ड में। इसको चेक करना कहते हैं, और रूलिंग पॉइंट को चेक नहीं किया जाता। यहाँ पर जो है वो ब्लाइंड भरोसा किया जाता है, आंख बंद करके भरोसा किया जाता है। चलिए आज कुछ थोड़ा सा स्पेशल कुछ देखना है वो हम देख लेते हैं। हाउस सिग्निफिकेटर और प्लैनेट सिग्निफिकेटर ये क्या होते हैं और कब काम में लेने हैं वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। बस इतना सा देख लीजिए कि इसको बनाया कैसे जाता है। सबके पास सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा। हाउस सिग्निफिकेटर क्या है और प्लैनेट सिग्निफिकेटर क्या है। देखिए हाउस सिग्निफिकेटर क्या है, किसी भी एक हाउस के बारे में हमें जानना हो तो हमें हाउस सिग्निफिकेटर बताएगा, और किसी भी एक प्लैनेट के बारे में जानना हो तो हमें प्लैनेट सिग्निफिकेटर लाइक उसके बारे में बताएगा। इनको बनाया कैसे जाता है वो आप देखिए। इनके चार लेवल होते हैं। जैसे कि हम हाउस सिग्निफिकेटर निकाल रहे हैं अभी, तो यहाँ पर हाउस आ जाएगा, यहाँ पर एक लेवल आएगा ए, यहाँ पर एक लेवल आएगा बी, यहाँ पर आएगा सी, और यहाँ पर आएगा डी। अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। आई थिंक मेरे को लगता है कि इसका थोड़ा फोन बड़ा कर लेना चाहिए मेरे को। चलिए हाउस सिग्निफिकेटर निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे हमारे पास में कॉलम होते हैं 3, ए बी सी और डी। मुझे फर्स्ट हाउस के बारे में जानना है, तो ये मैंने फर्स्ट हाउस लिख दिया यहाँ पर, बनाना बता रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बनाना ही बता रहा हूँ। चलिए फर्स्ट हाउस शुरुआत कहाँ से करेंगे, डी लेवल से। डी लेवल क्या बोलता है हमें कि जिस भी हाउस के बारे में आप जानना चाहते हो उस हाउस का साइन लॉर्ड कौन है मुझे वो बता दो। तो जैसे कि ये एक चार्ट है हमारे पास में खुला हुआ,
इसके अंदर मुझे सेवेंथ हाउस देखना है, सेवेंथ हाउस के बारे में मेरे को देखना है, ठीक है, मुझे सेवेंथ हाउस के बारे में देखना है, या कोई दूसरा हाउस लेते हैं फोर्थ हाउस के बारे में देखना है, तो यहाँ पर फोर कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। मैं फोर्थ हाउस के बारे में जानना चाह रहा हूँ, तो डी लेवल से स्टार्ट करेंगे। डी लेवल क्या बोलता है? डी लेवल बोलता है कि जो भी आप हाउस देख रहे हो उसका साइन लॉर्ड मुझे बता दो क्या है। तो फोर्थ हाउस का साइन लॉर्ड कौन है मुझे वो देखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है आपका फोर्थ हाउस, और फोर्थ हाउस का जो साइन लॉर्ड है वो है सन, करेक्ट। फोर्थ हाउस का जो साइन लॉर्ड है वो है सन। जिसको भी समझ में ना आए देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि मेरा कर्सर कर्सर पे नजर रखिएगा। तो यहाँ पर मुझे सन नोट डाउन करना है। सी लेवल पे आएंगे, सी लेवल बोलता है कि हाउस में जो भी राशि है, हाउस में जो भी राशि है उस राशि का जो लॉर्ड है वो किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है। तो मुझे देखना है कि हाउस में कौन सी राशि है, हाउस में जो है वो फाइव नंबर की राशि है, सन की राशि है, तो सन किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है वो मुझे देखना है। तो यहाँ पर मुझे एसटीएल कॉलम में आना है और देखना है कि सन किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है। तो सन राहु का स्टार लॉर्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर मुझे लिखना है राहु। और चेक करना है क्या सन किसी का स्टार लॉर्ड बना हुआ है, तो और सन किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं बना हुआ, ठीक है। के बाद में बी लेवल पे आएंगे, प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से आवाज आ रही है किसी की तरफ से। बी लेवल पे आएंगे, बी लेवल हमें क्या बोलता है कि हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। तो हम देखते हैं हाउस में कौन सा प्लैनेट है। हाउस में जो है मर्क्यूरी बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, तो मर्क्यूरी को नोट डाउन करेंगे। और ए लेवल पे आएंगे, ए लेवल बोलता है कि हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है, मतलब कि मर्क्यूरी जो है वो किसका स्टार लॉर्ड है। तो मर्क्यूरी को फाइंड करना है एसटीएल कॉलम में, स्टार लॉर्ड कॉलम में, कि मर्क्यूरी किसका स्टार लॉर्ड है। तो मर्क्यूरी को देखें तो मर्क्यूरी वीनस का स्टार लॉर्ड है, और आगे देखें तो मर्क्यूरी और किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं है, तो मर्क्यूरी सिर्फ और सिर्फ वीनस का स्टार लॉर्ड है। तो यहाँ पर आ जाएगा वीनस, ये आपके फोर्थ हाउस के बारे में बताएगा। अब आपको फोर्थ हाउस के बारे में जानना है तो उसके लिए वीनस, मर्क्यूरी, राहु और सन, ये चार प्लैनेट आपको फोर्थ हाउस के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये चार प्लैनेट जो है वो आपको फोर्थ हाउस के बारे में बताएंगे। अब इसमें लेवल है ए बी सी और डी। ए लेवल जो होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, बी लेवल जो होता है वो ए से स्ट्रांग होता है लेकिन कम स्ट्रांग होता है। सबसे स्ट्रांग जो है वो ए लेवल, उससे कम बी लेवल, उससे भी कम सी लेवल, और सबसे कम डी लेवल। तो सबसे स्ट्रांग ए और सबसे वीक डी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सन अपना रिजल्ट नहीं देगा, यहाँ पर प्रेजेंट है तो अपना रिजल्ट जरूर देगा, लेकिन वीक पोजीशन पे है, ठीक है, लेकिन वीक पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पर है तो अपना रिजल्ट जरूर देगा। लेकिन स्ट्रांग रिजल्ट कौन देगा? वीनस देगा फोर्थ हाउस का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टेंथ हाउस के बारे में देख लेते हैं एक बार। टेंथ हाउस का हाउस सिग्निफिकेटर निकालना है मुझे। डी लेवल पे आऊंगा वापस से। डी लेवल हमें क्या बोलता है? डी लेवल बोलता है कि हाउस का साइन लॉर्ड कौन है, मतलब कि टेंथ हाउस आप देखना चाह रहे हो तो टेंथ हाउस का साइन लॉर्ड कौन है। तो मुझे देखना है कि टेंथ हाउस का साइन लॉर्ड कौन है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो, सैटर्न है। टेंथ हाउस में राशि जो है वो सैटर्न की राशि है, क्योंकि भाव चलित में राशियाँ एक्सटेंड हो सकती है, कट सकती है। तो साइन लॉर्ड आप जो है वो राशि चार्ट से भी देख सकते हो, या फिर टेंथ हाउस पे आकर के उसके सामने साइन लॉर्ड देखोगे तो आपको सैटर्न मिल जाएगा। तो हम सैटर्न नोट डाउन करेंगे यहाँ पर। सी लेवल पे आएंगे, सी लेवल बोलता है कि हाउस का जो भी साइन लॉर्ड है वो किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है। तो हाउस का साइन लॉर्ड यानी कि टेंथ हाउस का साइन लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न को देखना है कि सैटर्न किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है। तो सैटर्न हम एस्टियल कॉलम में देखते हैं तो सैटर्न केतु का स्टार लॉर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो
केतु आ जाएगा यहाँ पर सी लेवल पे, और चेक कर लेते हैं कहीं सैटर्न और किसी का स्टार लॉर्ड बना हुआ हो, तो सैटर्न जो है वो और किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं है। अगर मल्टीपल होगा तो जितने प्लेनेट का बनेगा उतने प्लेनेट हम लिखते जाएंगे वहाँ पर। चलिए बी लेवल पे आते हैं। बी लेवल बोलता है कि हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, तो टेंथ हाउस में कौन बैठा हुआ है, मून बैठा हुआ है सिर्फ, मून को नोट डाउन कर लेंगे। और ए लेवल पे आएंगे, ए लेवल बोलता है हमें कि हाउस में जो प्लेनेट बैठा हुआ है वो किसका स्टार लॉर्ड है, तो हाउस में बैठा हुआ है मून, तो मून को देखना है कि मून किसका स्टार लॉर्ड है। मून मर्क्यूरी का स्टार लॉर्ड है, मर्क्यूरी को नोट डाउन करेंगे। और देखते हैं मून किसका स्टार लॉर्ड है, मून सैटर्न का भी स्टार लॉर्ड है, सैटर्न भी नोट डाउन करेंगे। और देखते हैं मून किसी का स्टार लॉर्ड है, और मून किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं है। अब मुझे टेंथ हाउस के बारे में जानना होगा, तो सबसे पहले मुझे मर्क्यूरी और सैटर्न बताएंगे, उसके बाद में मून बताएगा, उसके बाद में केतु बताएगा, उसके बाद में सैटर्न बताएगा। तो सबसे अगर टेंथ हाउस के बारे में मुझे जानना हो तो सबसे पहले ए लेवल, ए लेवल जो है ये जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है, उससे वीक बी वाला, उससे वीक सी वाला, और सबसे वीक डी वाला प्लैनेट। तो यहाँ देखिए सैटर्न यहाँ पर भी है ए लेवल में, और सैटर्न जो है वो डी लेवल पे भी है। तो सैटर्न जो है वो इसके भी सैटर्न वैसे टेंथ हाउस का पूरा ही रिजल्ट दे रहा है, लेकिन सैटर्न ए का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, साथ में डी का, डी लेवल का भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो मुझे बताइए। एक एक करके पूछिए। जी सर बोलिए। सर यहाँ फोर्थ और टेंथ हाउस में प्लैनेट्स हैं, अगर प्लैनेट्स नहीं होंगे सर फिर तो खाली छोड़ देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन से हाउस में नहीं है, एट सेवेंथ हाउस में नहीं है, सेवेंथ हाउस निकाल लेते हैं। वापस आते हैं, वापस से सुनिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। डी लेवल पे आते हैं। डी लेवल क्या बोलता है कि कौन सा हाउस देख रहे हो, सेवेंथ हाउस देख रहे हो, तो सेवेंथ हाउस का साइन लॉर्ड कौन है, सेवेंथ हाउस का साइन लॉर्ड देखना है मुझे, तो सेवेंथ हाउस का साइन लॉर्ड है मार्स, तो मार्स को नोट डाउन करूंगा यहाँ पर। सी लेवल पे आता हूँ। सी लेवल बोलता है कि हाउस का जो साइन लॉर्ड है वो किसका स्टार लॉर्ड है, तो हाउस का साइन लॉर्ड जो है वो मार्स है, तो मार्स को फाइंड आउट करना है कि वो किसका स्टार लॉर्ड है, सन का स्टार लॉर्ड है, उनको नोट डाउन करेंगे। और देखते हैं मार्स अपना स्टार लॉर्ड है, मार्स को भी नोट डाउन करिए यहाँ पर। जुपिटर का भी स्टार लॉर्ड बना हुआ है, जुपिटर को भी नोट डाउन कीजिए यहाँ पर। और मार्स किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं है, ठीक है। आ जाइए बी लेवल पे। बी लेवल बोलता है कि हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, सेवन्थ हाउस खाली है, कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, खाली छोड़ दीजिए इसको। ए लेवल पे आइए। ए लेवल बोलता है कि हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो किसका स्टार लॉर्ड है, जब हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं बैठा हुआ है तो उसका स्टार लॉर्ड कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर ए लेवल भी खाली, बी लेवल भी खाली, सिर्फ सी और डी में ही प्लैनेट है हमारे मेरे पास। अब सेवन्थ हाउस का जो रिजल्ट देंगे वो सन, मार्स, जुपिटर और मार्स, यानी कि सन, मार्स और जुपिटर, ये तीन ही प्लैनेट होंगे जो कि इसका रिजल्ट देंगे। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कौन देगा, सन, मार्स और जुपिटर, और डी पे भी मार्स है, तो यहाँ पर सी का रिजल्ट दे ही रहा है। ए और बी हमें मिला नहीं तो हमने खाली छोड़ दिया। क्लियर? यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो बताइए। सर भावचलित से ही देखेंगे? भावचलित से देखना, मैं बिल्कुल तो राशि चार्ट पे फोकस नहीं करना। नहीं, राशि चार्ट का क्या काम। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो बताइए। नहीं। समझ में आ गया कैसे निकालना है हमें? हाँ सर। सर एक एग्जांपल ले लें सर सिर्फ। और हाँ बोलिए सर, बोलिए।
किसका निकालना बोलिए, एग्जांपल और कोई और ले लें सर। बोलिए बोलिए कौन सा, आप बताइए कौन सा लेना है। 11th हाउस ही चेक कर लेते हैं, उसमें भी कोई प्लैनेट नहीं है सर। ठीक है 11th हाउस देख लेते हैं जी। सर एक और बात, इन्हें यूज कैसे करते हैं ये भी बताइए। यूज अभी नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आप इसको बनाना सीख लीजिए। आपको बनाना आ गया तो यूज तो अपना अपने आप ही अपने आप चुटके में होगा इसका। अपने मैं बताऊंगा ना अपने आप कैसे आएगा। चलिए 11th हाउस देखते हैं। ये 11th हाउस ले लिया मैंने, डी लेवल पे आ रहा हूँ। डी लेवल क्या बोलता है हमें, हाउस का साइन लॉर्ड बताइए। चलिए 11th हाउस पे आइए, 11th हाउस को देखिए। 11th हाउस का साइन लॉर्ड जो है वो है जुपिटर। जुपिटर नोट डाउन कीजिए। सी पे आइए, सी लेवल बोलता है कि हाउस में जो हाउस का जो साइन लॉर्ड है वो किसका स्टार लॉर्ड है। तो जुपिटर को देखिए, जुपिटर मून का स्टार लॉर्ड है, मून को नोट डाउन कीजिए। जुपिटर को और देखिए, क्या जुपिटर और किसी का स्टार लॉर्ड बना हुआ है? तो जुपिटर और किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं है, तो छोड़ दीजिए इसको। बी लेवल पे आइए, बी लेवल क्या बोलता है हमें कि हाउस में कौन सा प्लांट बैठा हुआ है। हाउस में कोई भी प्लांट नहीं बैठा हुआ है, तो खाली छोड़ दीजिए। ए में आइए, ए लेवल बोलता है कि हाउस में जो प्लांट बैठा हुआ है वो किसका स्टार लॉर्ड है। तो हाउस में जब कोई प्लैनेट ही नहीं है तो उसका स्टार लॉर्ड भी नहीं पता कर सकते। तो यहाँ पर 11th हाउस का जो रिजल्ट देगा वो मून और जुपिटर, सिर्फ दो ही प्लैनेट है आपके पास। अब जो स्ट्रांग है वो मून है और उससे वीक जो है वो जुपिटर, लेकिन मून भी अपना रिजल्ट देगा और जुपिटर भी अपना रिजल्ट देकर के रहेगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन पूछो। जी बोलिए सर। सर ये 7th हाउस में एक्चुअली ए और बी लेवल के जो सिग्निफिकेटर है वो तो है नहीं, क्योंकि वहाँ कोई प्लैनेट नहीं है। प्लैनेट ही नहीं। हाँ, डी लेवल पे एक्चुअली सन, मार्स और जुपिटर है, और डी लेवल पे मार्स है। यस। अब यदि मान लें कि मार्स, सिर्फ यदि मार्स का ही नक्षत्र बन जाता और सन और जुपिटर नहीं होते, मतलब हाँ? उनका नक्षत्र नहीं बनता, तो इसका ये मतलब होगा कि 7th हाउस के लिए सिग्निफिकेटर सिर्फ मार्स है। सिर्फ मार्स ही होता है, बिल्कुल करेक्ट है, मार्स ही होता है। तो 7th हाउस के लिए उसको और कोई सपोर्ट करेगा ही नहीं ऐसी कुंडली वाले को। बिल्कुल ऐसे, तभी तो कई कई लोगों की शादियां नहीं होती है। ये अब धीरे धीरे जो है ये राज खोल रहे हैं सर, कि ये बताएंगे आपको कि किन की शादियां होती है और किन की शादियां नहीं होती है। अब ये हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं अभी। और कोई क्वेश्चन, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर दृष्टि वगैरह का कोई काम नहीं होता? नहीं, दृष्टि वगैरह का यहाँ पर कोई काम नहीं सर है, लेकिन फिर हम जो कस्पल इंटरलिंक पे चले जाएंगे, इसलिए उसका यहाँ पर कोई काम नहीं। चलिए प्लैनेट सिग्निफिकेटर पे चलते हैं। यहाँ पर भी सेम ही सीक्वेंस है, यहाँ पर भी आपका ए लेवल है, बी लेवल है, सी लेवल है और डी लेवल है। डी लेवल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये है प्लैनेट सिग्निफिकेटर, कौन से प्लैनेट के बारे में जानना चाह रहे हो ये पूछ रहा है वो। तो जैसे मुझे मार्स के बारे में जानना है कि मार्स मुझे क्या इंडिकेशन दे रहा है। डी लेवल पे आएंगे, डी लेवल क्या बोलता है कि जिस भी प्लैनेट के बारे में आप जानना चाह रहे हो उस प्लैनेट की राशि कौन से हाउस में है। जिस भी प्लैनेट के बारे में आप जानना चाह रहे हो उस प्लैनेट की राशि कौन से हाउस में है। याद रखिएगा, भाव चलित से देखना है, राशियां एक्सटेंड भी होती है और कट भी जाती है। हो सकता है कि एक ही राशि आपको मिले और हो सकता है कि आपको तीन राशियां मिल जाए, तो देखना भाव चलित से ही है। राशियां एक्सटेंड भी हो सकती है और कट भी सकती है, तो राशियां एक ही प्लांट की तीन राशियां भी मिल सकती है, एक ही प्लांट की एक राशि भी मिल सकती है,
और हो सकता है कि आपको राशि मिले ही ना अगर सन और मून आ गए तो। चलिए तो मास के बारे में जानना चाह रहे हैं, डी लेवल हमें बोलता है कि जिस भी प्लैनेट के बारे में आप जानना चाह रहे हो उस प्लैनेट की राशि कौन से हाउस में है, तो मास को देखना है मार्स की राशि कौन से हाउस में है। भाव चलिए से देखना याद रखिएगा, राशि चार्ट से नहीं देखना है। मार्स की एक राशि आ रही है 12th हाउस में और दूसरी राशि आ रही है 7th हाउस में, तो 7 और 12 करेक्ट, 7 में और 12 में है। सी लेवल पे आते हैं, सी लेवल में बोलता है कि प्लैनेट के स्टार लॉर्ड की राशि कौन से हाउस में है, मतलब कि मार्स का जो स्टार लॉर्ड है जिस भी प्लैनेट के बारे में आप जानना चाह रहे हो, यानी कि मैं मार्स के बारे में जानना चाह रहा हूँ, तो मार्स के स्टार लॉर्ड की राशि कौन से हाउस में है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा पहले तो कि मार्स का स्टार लॉर्ड कौन है। तो मार्स का जो स्टार लॉर्ड है वो है खुद मार्स ही है, मार्स का स्टार लॉर्ड खुद मार्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से सेम अगेन वही राशियाँ रिपीट हो जाएगी, 7 और 12, मतलब कि 7th हाउस में है और 12th हाउस में है। बी लेवल पे आएंगे, बी लेवल बोलता है कि प्लैनेट जो है वो किस हाउस में बैठा हुआ है, आपका जो प्लैनेट है मार्स जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो वो कौन से हाउस में बैठा हुआ है। देखिए मार्स कहाँ पर बैठा हुआ है, मार्स 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ए लेवल बोलता है कि प्लैनेट का जो स्टार लॉर्ड है वो कौन से हाउस में बैठा हुआ है, तो प्लैनेट का स्टार लॉर्ड कौन है, मार्स का स्टार लॉर्ड खुद मार्स ही है और बैठा हुआ कहाँ पर है, 5th हाउस में, तो 5th हाउस ही आ जाएगा यहाँ पर। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जुपिटर के बारे में जानते हैं, आइए डी लेवल पे। डी लेवल बोलता है कि जिस भी प्लैनेट के बारे में आप जानना चाह रहे हो उस प्लैनेट की राशि कौन से हाउस में है, तो जुपिटर की राशि कौन से हाउस में है वो हमें देखना है। तो जुपिटर की राशि 8th हाउस में है और दूसरी राशि जो है वो 11th हाउस में है, तो 8 और 11, 8 एंड 11। सी लेवल बोलता है कि जिस भी प्लैनेट के बारे में आप जानना चाह रहे हो उस प्लैनेट के स्टार लॉर्ड की राशि कौन से हाउस में है, तो मुझे पहले पता करना पड़ेगा जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है। जुपिटर का स्टार लॉर्ड मार्स, और मार्स की राशि कहाँ पर आ रही है, 7th हाउस में और 12th हाउस में, तो यहाँ पर आ जाएगा आप अगेन 7 और 12। बी लेवल पे आएंगे, बी लेवल बोलता है कि प्लैनेट किस हाउस में बैठा हुआ है आपका। जुपिटर को देखेंगे क्योंकि जुपिटर के बारे में जानना चाह रहे हैं, जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। और ए लेवल बोलता है कि जिस भी प्लैनेट के बारे में आप जानना चाह रहे हो उस प्लैनेट का स्टार लॉर्ड कौन से हाउस में बैठा हुआ है, तो जुपिटर का स्टार लॉर्ड मार्स, और मार्स बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो यहाँ पर अगेन आ जाएगा 5। एक एग्जांपल वो ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, सन की एक ही राशि होती है, सन को ले लेते हैं। इसके बारे में एक को ले लेंगे राहु केतु, क्योंकि राहु केतु की राशियां नहीं होती है, है ना, राहु केतु की राशियां नहीं होती है। एक प्लीज म्यूट कीजिए, रोशनी मैम म्यूट कीजिए, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, ठीक है। राहु केतु की राशियां नहीं होती है तो उस केस में आप फिर सोचेंगे कि अब क्या करें, तो राहु केतु का भी ले लेंगे, पहले सन को ले लेते हैं एक बार। डी लेवल, प्लैनेट की राशि कौन से हाउस में है, यानी कि सन के बारे में जानना चाह रहा हूँ, सन की राशि कौन से हाउस में है, 4th हाउस में है, 4th हाउस, याद रखिएगा भावचलित से ही देखना है क्योंकि राशियाँ एक्सटेंड भी होती है और कट भी जाती है, इसके लिए राशि चार्ट में नहीं जाना है। सी लेवल बोलता है कि प्लैनेट का जो स्टार लॉर्ड है उसकी राशि कौन से हाउस में है, इसका मतलब है सन का जो स्टार लॉर्ड होगा उसकी राशि कहाँ पर जाएगी। सबसे पहले तो मुझे पता करना है कि सन का स्टार लॉर्ड कौन है, सन का स्टार लॉर्ड अगेन मार्स, और मार्स की राशि 7 और 12। बी लेवल पे आएंगे, प्लैनेट कौन से हाउस में बैठा हुआ है, मतलब कि सन कौन से हाउस में बैठा हुआ है, तो सन को देखिए, सन 5th हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए 5। और ए लेवल, प्लैनेट का स्टार लॉर्ड कौन से हाउस में बैठा हुआ है, तो प्लैनेट का स्टार लॉर्ड कौन था, सन का स्टार लॉर्ड मार्स, और मार्स कहाँ बैठा हुआ है, 5th हाउस में, तो अगेन 5th हाउस, तो सन हमें 5, 5, 7, 12 और 4 के रिजल्ट दे रहा है।
राहु केतु में से किसी एक को ले लेते हैं, केतु को ले लेते हैं। केतु केतु के लिए देख केतु के लिए देखते हैं। राहु केतु के साइन लॉर्ड नहीं होते हैं, आपको पता है राहु केतु की राशियां नहीं होती है। और हमें डी लेवल क्या बोलता है कि प्लैनेट की राशि कौन से हाउस में है। अब केतु महाराज है ये, और केतु की राशि नहीं होती तो खाली छोड़ देंगे। सी लेवल पे आएंगे, सी लेवल हमें क्या बोलता है कि प्लैनेट के स्टार लॉर्ड की राशि कौन से हाउस में है। तो केतु का स्टार लॉर्ड देखना है, केतु का स्टार लॉर्ड जो है वो सैटर्न। तो सैटर्न की राशि कहाँ पर जा रही है, सैटर्न की राशि एक तो जा रही है सॉरी 9 में और 10 में। तो 9 और 10। बी लेवल पे आइए, प्लैनेट बी लेवल बोलता है कि प्लैनेट जो है आपका वो कौन से हाउस में बैठा हुआ है। तो केतु को देखिए, केतु कहाँ बैठा हुआ है, केतु सिक्स हाउस में बैठा हुआ है, सिक्स हाउस लिखिए यहाँ पे। ए लेवल पे आइए, ए लेवल बोलता है कि प्लैनेट का स्टार लॉर्ड जो है वो कौन से हाउस में बैठा हुआ है। तो केतु का स्टार लॉर्ड जो है वो सैटर्न, और सैटर्न को देखें कहाँ पर बैठा हुआ है, एट हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एट। तो केतु 8, 6, 9 और 10 के रिजल्ट दे रहा है। डी लेवल खाली है, राहु केतु के केस में डी लेवल खाली आएगा क्योंकि उनकी राशियाँ नहीं होती है। प्लैनेट सिग्निफिकेटर निकालने आ गए आपको, कैसे निकाले जाते हैं, डाउट है तो बताइए। ये हमने हाउस सिग्निफिकेटर निकालने हैं और प्लैनेट सिग्निफिकेटर निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, कैसे बनाने हैं, आपको समझ में आए या नहीं आए, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर केतु के बारे में पूछो। हाँ बोलिए ना सर। केतु की कोई राशि नहीं होती इसलिए हमने ब्लैंक छोड़ दिया। बिल्कुल, लेकिन केतु जिस राशि में बैठते हैं उनको वो जो राशियों का भी जो कुछ भी संबंध होता है उसको हम लोग सिग्निफिकेटर मान लेते हैं। बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। तो उनकी राशियां लिखी होगी तो प्लैनेट सिग्निफिकेटर है, तो राशियों का यदि सपोज केतु सैटर्न की राशि में जी, तो सैटर्न जो भी सिग्निफाई करता है यहाँ पर जी, वो जी। लिख लेते हैं उन घरों को। अभी इसका अभी क्वेश्चन अभी आंसर कर दूंगा इसका जी। अभी हमने क्या निकाले, अभी हमने प्लैनेट सिग्निफिकेटर निकाले। तो ये प्लैनेट सिग्निफिकेटर जब हम निकाल रहे हैं तो डी लेवल हमें सिर्फ और सिर्फ इतना सा पूछ रहा है कि आप जिस प्लैनेट के बारे में जानना चाह रहे हो उसकी राशि बता दो मेरे को, कहाँ पर है। अब हमारे पास में केतु की राशि है ही नहीं, राहु केतु की राशियाँ होती नहीं हमें पता है, तो उस केस में डी लेवल खाली ही जाएगा क्योंकि उसकी राशि है ही नहीं। ठीक है, सेम राहु के लिए ले लेते हैं एक बार और क्लियर हो जाएगा। आते हैं डी लेवल पे। डी लेवल अगेन बोलता है कि जिस प्लैनेट के बारे में आप जानना चाह रहे हो उस प्लैनेट की राशि कौन से हाउस में है। हमें पता है कि राहु केतु की के साइन नहीं होते हैं, तो डी लेवल खाली छोड़ना है क्योंकि राहु की राशि होती नहीं है। सी लेवल पे आएंगे, सी लेवल बोलता है कि जिस प्लैनेट के बारे में आप जानना चाह रहे हो उसके स्टार लॉर्ड की राशि कौन से हाउस में है। राहु का स्टार लॉर्ड जरूर हो सकता है, तो राहु का स्टार लॉर्ड जो है वो सन, और सन की राशि कहाँ पर आ रही है, फोर्थ हाउस में। ये फोर्थ हाउस आ गया यहाँ पर। बी लेवल बोलता है कि आपका जो प्लैनेट है वो कौन से हाउस में बैठा हुआ है, मतलब कि राहु महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, राहु महाराज 12th हाउस में बैठे हुए हैं। ये 12th हाउस आ गया। ए लेवल बोलता है कि प्लैनेट का स्टार लॉर्ड कौन से हाउस में बैठा हुआ है, मतलब कि राहु का स्टार लॉर्ड कौन से हाउस में बैठा हुआ है। राहु का स्टार लॉर्ड जो है वो सन, और सन बैठा हुआ है 5 में। ये आ गया 5। इस केस में भी आपका डी लेवल जो है वो ब्लैंक, तो राहु केतु के केस में ये दोनों ब्लैंक। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वैसे लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे राहु आंसर कर देगा। अब क्या होगा, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में आपके क्वेश्चन का आंसर आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा या मैं कर दूंगा। ये है हमारे हाउस सिग्निफिकेटर और ये है हमारे प्लैनेट सिग्निफिकेटर। अगर हमें किसी भी एक हाउस के बारे में जानना हो कि इस हाउस के लिए कौन कौन से प्लैनेट जिम्मेदार है, तो
उस प्लैनेट की लाइक उस हाउस सिग्निफिकेंट निकालेंगे उस प्लैनेट उस हाउस का, और देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से प्लैनेट आ रहे हैं, और जो भी प्लैनेट आएंगे उनके उनके सिग्निफिकेंट निकालेंगे, लाइक प्लैनेट सिग्निफिकेंट निकालेंगे। तो टेंथ हाउस के लिए जो प्लैनेट आएंगे, जो भी प्लैनेट आएंगे वो कौन कौन से हाउस दे रहे हैं यहाँ पर, वो आपको टेंथ हाउस के रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर हम मर्क्यूरी के बारे में निकालते हैं यहाँ पर, अभी हमने निकाला नहीं यहाँ पर, नहीं तो अभी 9 की 9 निकल जाते। सैटर्न का निकाला है यहाँ पर, तो सैटर्न हमें कौन से हाउस दे, सॉरी सैटर्न भी नहीं निकाला हमने, मून भी नहीं निकाला है यहाँ पर, केतु का निकाला है, केतु के लिए निकाला हमने। तो अगर टेंथ हाउस से, वैसे हम सैटर्न मर्क्यूरी भी निकालेंगे, सैटर्न भी निकालेंगे, मून भी निकालेंगे, केतु भी निकालेंगे, सैटर्न भी निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। केतु निकला हुआ है इसलिए केतु के लिए देख लेते हैं। तो टेंथ हाउस में केतु क्या दे रहा है, 8 दे रहा है मुझे, 6 दे रहा है मुझे, 9 दे रहा है मुझे, और 10 दे रहा है मुझे। तो 6, 8, 9 और 10 इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं टेंथ हाउस को। यहाँ पर आपको फॉरेस्ट स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, अभी बनानी है आपको फॉरेस्ट स्टेप, पूरी रामायण जब जाननी होगी तो फॉरेस्ट स्टेप बनाई जाएगी, लेकिन ये आपके शॉर्ट प्रिडिक्शन, इससे बड़े बड़े शॉर्ट प्रिडिक्शन होते हैं, कैसे कैसे किए जाते हैं वो भी अपने हम जब जब हम महादशा पे आ जाएंगे, जब जब क्लियर हो जाएंगे अपने आप ही, जब हम महादशा पे आ जाएंगे तब तब अपने आप क्लियर हो जाएंगे। वैसे ही अगर मुझे जानना हो कि सिर्फ और सिर्फ जुपिटर, जुपिटर मुझे किस किस हाउस के रिजल्ट दे रहा है, तो 5 के रिजल्ट दे रहा है, 9 के रिजल्ट दे रहा है, 7 के रिजल्ट दे रहा है, 12 के रिजल्ट दे रहा है, 8 के रिजल्ट दे रहा है और 11 के रिजल्ट दे रहा है। अब कोई मुझे पूछ लेता है कि क्या मुझे पुखराज पेन लेना चाहिए, क्या मुझे येलो सफायर पेन लेना चाहिए, या मुझे पहनना चाहिए, तो क्या इस व्यक्ति को पहनना चाहिए क्या आपके हिसाब से? देखिए नहीं सर, बिकॉज 5-9 है, 5-9 है, 12 भी है, 8 भी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11 है जो कि डी लेवल पे है, और सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग जो ए लेवल है वो फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस जो है वो नौकरी में प्रॉब्लम कर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो क्या येलो सफायर पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? क्या ये बोलता है कि मुझे मूंगा पहन लेना चाहिए, क्या मूंगा पहन लेना चाहिए? देखिए 5, 5, 7, 12, 7, 12 है, मूंगा भी नहीं पहन सकता ये बंदा। क्या केतु का स्टोन पहन सकता है? 8, 6, 9, 10 आ रहा है, 10 ठीक है हमारे लिए, 9 भी चलो ठीक है हायर एजुकेशन और तीर्थ यात्रा के लिए ठीक है, 6 भी अच्छा है, और 8 है, 8 हाउस है, थोड़ा सा ट्रबल तो करेगा। 50-50 चांस है पहन भी सकता है नहीं भी पहन सकता, क्योंकि 6 और 10 है, यहाँ पर 6 और 10 के रिजल्ट देगा केतु। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि कौन सा स्टोन पहनना चाहिए और कौन सा स्टोन नहीं पहनना चाहिए, ये भी आपको हाउस सिग्निफिकेटर और प्लैनेट सिग्निफिकेटर बिल्कुल करेक्टली बता देंगे। चलिए, वैसे ये बनाए जाते हैं और अपने पास में जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देता है हाउस वाइज सिग्निफिकेटर और प्लैनेट वाइज सिग्निफिकेटर। जैसे हमने अभी निकाला है फोर्थ हाउस का, तो फोर्थ हाउस को देखिए 1, 2, 3, 4 फोर्थ हाउस में वीनस आ रहा है, यहाँ पे वीनस है हमारे पास, फिर बी लेवल पे मर्क्यूरी आ रहा है, तो फोर्थ हाउस में ये मर्क्यूरी आ गया, और फिर राहु आ रहा है सी पे, तो ये आ गया राहु, और फिर आ रहा डी लेवल पे सन, तो ये डी लेवल पे आपका सन आ गया। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है अपने आप कैलकुलेट करके देता है, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। चलिए जुपिटर के बारे में पता कर लेते हैं। जुपिटर ए लेवल पे 5 दे रहा है और बी लेवल पे 9 दे रहा है। जुपिटर को देखिए, ए लेवल पे 5 दे रहा है और बी लेवल पे 9 दे रहा है, सी लेवल पे 7 और 12 दे रहा है, तो जुपिटर सी लेवल पे 7 और 12 दे रहा है, और डी लेवल पे 8 और 11 दे रहा है, तो डी लेवल पे 8 और 11 दे रहा है, करेक्ट? यस। चलिए राहु पे आ जा, राहु या केतु किसी के एक को देख लेते हैं, केतु को देख लेते हैं। केतु जो है वो ए लेवल पे 8 दे रहा है,
केतु को देखिए, केतु ए लेवल पे 8 दे रहा है, सिक्स बी लेवल पे 6 दे रहा है, बी लेवल पे 6 आ गया, सी लेवल पे 9 और 10 दे रहा है, ये 9 और 10 आ गया, डी लेवल खाली, तो डी लेवल खाली। राहू के केस में भी डी लेवल खाली है, ये रहा आपका राहू, डी लेवल खाली और केतु भी खाली, ठीक है। तो हमारे अपने जैसे अगर ये जो सॉफ्टवेयर है ये अपने आप कैलकुलेट करके देता है, लेकिन अगर हमारे पास में सॉफ्टवेयर ना हो तो हमें बनाना आना चाहिए कि कैसे बनाया जाता है। समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जैसे अभी मैंने आपको बताया, हम बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि हमने कहीं पर भी गलती नहीं करी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी से पूछ रहा हूँ मैं, मतलब एक कोई नहीं, सबको पूछ रहा हूँ। क्लियर है ना कैसे निकाले जाते हैं? जी सर। हाँ सर। चलिए, हाउस सिग्निफिकेटर और प्लैनेट सिग्निफिकेटर, इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपके बहुत बड़े बड़े जो प्रिडिक्शन है उनको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा माँ दशा जो है इनके बिना नहीं देखी जाती है, जब तक आपको ये नहीं आएंगे तब तक आप माँ दशा नहीं देख सकते। यही बताएंगे आपको कि व्यक्ति जो भी पूछ रहा है, नेटिव जो भी पूछ रहा है, उसका इवेंट कब होगा, किस साल होगा, किस महीने होगा, किस दिन होगा, वो सब के सभी हाउस सिग्निफिकेटर और प्लैनेट सिग्निफिकेटर ही बताएंगे। शादी होगी या नहीं होगी, एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, ये सब आपके हाउस सिग्निफिकेटर प्लैनेट सिग्निफिकेटर बताएंगे। चाइल्ड बर्थ होगा या नहीं होगा, ये सब आपके ये हाउस सिग्निफिकेटर और प्लैनेट सिग्निफिकेटर। कोई भी इवेंट हो, एक्स वाई जेड कोई भी इवेंट हो, हाउस सिग्निफिकेटर और प्लैनेट सिग्निफिकेटर के बिना हम पता नहीं कर सकते। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे बनाए जाते हैं और इनको देखने का तरीका क्या है। तो देखने का जो तरीका है, जब हम माँ दशा पे आएंगे तब क्लियर करूँगा इनको कि कैसे देखे जाते हैं। बस आपको बनाना आना चाहिए और रीड करना आना चाहिए। और इतना सा याद रखिए, जैसे मार्स के लिए, सॉरी मार्स को छोड़ दीजिए क्योंकि दोनों पे उस पे आ रहे हैं, यहाँ पर सी पे भी आ रहा है, डी पे भी आ रहा है। सन के ऊपर आ जाइए, सन के लिए डी लेवल पे 4 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्थ हाउस के रिजल्ट मिलेंगे नहीं, फोर्थ हाउस के रिजल्ट मिलेंगे लेकिन थोड़े से वीक मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लाइक ये ब्लैंक है, खाली नहीं है, ये यहाँ पर फोर्थ हाउस है, इसका मतलब है कि वीक है लेकिन अपना इवेंट दे करके रहेगा। ये सी लेवल के ऊपर 7 और 12 है, इसका मतलब है कि 7 और 12 के रिजल्ट देख करके रहेगा। 5 है तो 5 के रिजल्ट देख करके रहेगा, यहाँ पर भी 5 है तो स्ट्रांग रिजल्ट देगा 5 के। तो सन को अगर देखें तो फिफ्थ हाउस के स्ट्रांग रिजल्ट देगा। अगर 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड हुआ या उसका स्टार लॉर्ड हुआ तो फिफ्थ हाउस दे रहा है यहाँ पर, तो लव मैरिज की चांस बनाता ही है, और वो भी स्ट्रांगली बनाता है क्योंकि ए लेवल भी दे रहा है और बी लेवल पर भी दे रहा है और साथ में 7th हाउस भी दे रहा है, तो ये लव मैरिज करवा के छोड़ेगा अगर ऐसा सीन बन गया तो। ये शॉर्ट प्रिडिक्शन है। ये कब पता चलेंगे? जब हम माँ दशा देखेंगे। तो जब माँ दशा पे आएंगे तब इनके धीरे धीरे इनके छोटे छोटे इनके बड़े बड़े राज सॉरी बड़े बड़े राज खुलेंगे आपके सामने कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, कि वो इवेंट होगा भी कि नहीं होगा। चलिए, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर ए बी सी डी में बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी मैम। सर ए बी सी डी में मैंने ए इज मोर मच स्ट्रॉन्गर देन बी, ये मच स्ट्रॉन्गर देन सी, राइट। सबसे स्ट्रॉन्ग ए, उसके बाद में बी, फिर सी और फिर डी। अगर वैसे देखें तो सबसे वीक डी, उससे स्ट्रॉन्ग सी, उससे भी स्ट्रॉन्ग बी और सबसे स्ट्रॉन्ग ए।
सेम कंडीशन यहाँ पर है, सबसे वीक डी, उससे जो है लाइक ए स्ट्रॉन्ग सी, उससे भी स्ट्रॉन्ग बी, और सबसे स्ट्रॉन्ग ए. अभी सर ने एक क्वेश्चन किया था यहाँ पर कि अगर सेवेंथ हाउस के ऊपर अगर मान लीजिए मार्स सन और जुपिटर नहीं होता, हटा रहा हूँ दो मिनट के लिए, तो सी पे भी मार्स है और डी पे भी मार्स है और सेवेंथ हाउस है. सेवेंथ हाउस जो है वो बिजनेस भी है, सेवेंथ हाउस सेल्फ बिजनेस है, सेवेंथ हाउस जो है वो शादी भी है. अगर मार्स के रिजल्ट निकाले हैं, ये मार्स के रिजल्ट निकाला है हमने, अगर इसके अंदर सेवेंथ हाउस नहीं है तो शादी नहीं होगी, ठीक है. यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपको झलक दिखा रहा हूँ इसकी कि किस तरीके से वर्क करता है. ये लो हटा दिया मैंने, ये सेवेंथ हाउस आ गया आपका. सेवेंथ हाउस में मार्स है, यहाँ पर भी मार्स है, और मार्स के ऊपर आते हैं तो मार्स जो है वो 5, 5, 12 और 12 दे रहा है. कोई सेवन दिन, कोई सेवेंथ हाउस नहीं दे रहा है, कोई 2 नहीं दे रहा है, कोई 11 नहीं दे रहा है, तो शादी होना बहुत मुश्किल है यहाँ पर. एक बार में हम कह सकते हैं कि शादी होने में बड़ी मुश्किल है, हो सकता है शादी हो ही ना. एक क्वेश्चन और था सर का, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ. सर जी सुन रहे हैं मेरे को? मेरे को पूछ रहे हैं सर जी? आपको ही पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका ही क्वेश्चन था ना. हाँ जी, बड़ा ध्यान बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ. हाँ, आपका एक क्वेश्चन था ना, सन और जुपिटर को हटा देंगे मार्स हो जाएगा, तो मैंने मार्स का एक मार्स एक्सप्लेन कर दिया. आप ही के एक क्वेश्चन, आप ही के एक क्वेश्चन का और जवाब दे रहा हूँ. आपने कहा था कि राहु केतु के साइन नहीं होते हैं, तो उस केस में उसका जो साइन लॉर्ड होगा उसके तो रिजल्ट पकड़ सकते हैं. बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पर मैंने राहु लिया है, सॉरी यहाँ पर जैसे केतु लिया, यहाँ पर देख लीजिए राहु केतु का साइन लॉर्ड कौन है. राहु का साइन लॉर्ड वीनस है और केतु का साइन लॉर्ड जो है वो मार्स है. हमने मार्स निकाला यहाँ पर. जब केतु अपने रिजल्ट देगा 8, 6, 9 और 10, तो केतु अपने रिजल्ट देगा 8, 6, 9, 10 के साथ के अंदर मार्स के भी रिजल्ट देगा. 5, 5, 7, 12, 7, 12 के भी रिजल्ट देगा. ये इसकी मजबूरी है क्योंकि मार्स के साइन में जाकर के बैठा हुआ है. तो ये जो कॉलम खाली आ गया ना आपके पास में, इस कॉलम के अंदर आप ये मार्स के सारे हाउसेस जो है यहाँ पर लिख सकते हो अपनी सहूलियत के लिए. यही वजह है राहु और केतु के सिग्निफिकेटर दुनिया भर के हो जाते हैं सर, पूरे 9 प्लेनेट हो जाते हैं कई बार. हाँ बिल्कुल, पूरे 12,000 हो जाते हैं. बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर नहीं होंगे ऐसा. तो जैसे केतु के बारे में पूछेंगे कि केतु कौन कौन से हाउस के रिजल्ट दे रहा है, तो केतु 8 का भी रिजल्ट दे रहा है, 6 का भी रिजल्ट दे रहा है, 9 का भी दे रहा है, 10 का भी दे रहा है, साथ में मार्स के साइन में बैठा हुआ है तो 5 का भी दे रहा है, अगेन 5 का दे रहा है, 7 का भी दे रहा है, 12 का भी दे रहा है, अगेन 7, 12 का भी दे रहा है. तो केतु जो है वो अपने रिजल्ट तो देगा ही देगा, साथ में अपने साइन लॉर्ड के भी रिजल्ट देगा.